ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में ये कहानी थोड़ी पुरानी है, फिर से जैसे ऑप्टिक्स की कहानी थी। तो ऑप्टिक्स के अंदर बहुत साइंटिस्ट ने काम किया, मैंने आपको समझाया भी था कि पहले हाइगंस थ्योरी आई, वेव थ्योरी आई, फिर रे आया, और फिर अब क्या आने वाला है, पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर भी होती है, ये बहुत लेट लोगों को पता लगा। तो हम ये मानते थे कि सिर्फ वेव थ्योरी ही ओरिजिनल थ्योरी है लाइट की या रेडिएशंस की। वेव रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन ये थ्योरी ने बताया कि वेव के साथ साथ रेडिएशंस कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फोटोन जिसे बोलते हैं। तो कभी कोई फिनोमिनाज ऐसे हैं जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, कोई ऐसे हैं जो रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करता है, कोई ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर यानी कि फोटोन्स एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए दूसरा इसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए रेडिएशंस की क्या नेचर मानी जाती है, ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो इसके अंदर सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, बस ये पता होना चाहिए कि मेटल्स के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लैटिस में मूव करते रहते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और न्यूक्लियस के साथ वो लूजली बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला जाता है, उसको वर्क फंक्शन। ठीक। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल पे। मटीरियल ए बी सी टाइप का है तो वर्क फंक्शन भी सबका डिफरेंट है, और साथ में डिपेंड करता है कंडीशंस ऑफ सरफेस पे। कंडीशन सरफेस की रफ है, स्मूथ है, कैसी है, उस पे भी वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन के यूनिट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हमें कन्वर्ट करना आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेटल की सरफेस के बाहर हवा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन, बस दैट्स इट। और इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो ऐसा नहीं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है, फोटोन से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बहुत साइंटिस्ट ने काम किया और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया बहुत तरीकों से। उनमें से पहला तरीका है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की गई, गर्मी प्रोवाइड की गई, उस एनर्जी को लेके वो क्या करते हैं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएं, इसको थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन में वो कहता है कि मेटल की सरफेस लो जो फोटो सेंसिटिव है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, छत पे मान लो पॉजिटिव चार्ज लगा दो, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव छत पे चला जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज नोन एज फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप रेडिएशंस घेरो, रेडिएशंस ऑफ सफिशियंट एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो फोटोन की एनर्जी, फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और बाहर निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर जो बाहर निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें ना रेट ऑफ एमिशन बहुत लो है। मान लो आपने 100 फोटोन घेरे तो मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, या एक से 10, एक 10 भी ज़्यादा ही बोल दिया, 1% ही बाहर निकलते हैं। मतलब 100 फोटोन घेरने पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, 99 खराब हो जाते हैं। तो 100,000 फोटोन घेरने पे 1,000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी सब खराब जाने वाले हैं। तो चलो कुछ तो निकलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है जो बाहर से हमने प्रोड्यूस किया, वो टक्कर मारता है मेटल के अंदर घुस के, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको टक्कर मारता है, अपनी एनर्जी उसको दे देता है और वो खुद बीच में रह जाए, लेकिन जिसको टक्कर मारता है वो बाहर निकल आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। हम इनमें से ये जान गए कि बहुत तरीके से एमिशन हो सकता है, पर इस चैप्टर में हम सिर्फ किसको फोकस करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बाकी प्रोसेस को नहीं फॉलो करने वाले। ठीक है। तो
यहां से स्टार्ट करते हैं।